नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Vivo Y21T versus Realme 9 Pro Plus 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Y21T में 6.46 इंच जबकि 9 Pro Plus 5G में 6.31 इंच की लेंथ मिलती है जो कि Y21T से कम है। विड्थ की बात करें तो Y21T में 2.99 इंच जबकि 9 Pro Plus 5G में 2.89 इंच की विड्थ मिलती है जो कि Y21T से कम है। बात करें थिकनेस की तो Y21T में 0.31 इंच जबकि 9 Pro Plus 5G में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है जो कि सेम जैसी ही है। अब बात करते हैं वेट की तो वेट दोनों फोन का सेम ही 182 ग्राम्स वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Y21T में IPS LCD जबकि 9 Pro Plus 5G में Super AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Y21T में 6.58 इंचेस जबकि 9 Pro Plus 5G में 6.4 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Y21T में 1080x2408 और 9 Pro Plus 5G में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Y21T में 83.76% जबकि 9 Pro Plus 5G में 84.21% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Y21T में 401 पिक्सेल प्रति इंच जबकि 9 Pro Plus 5G में 411 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Y21T में 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और 9 Pro Plus 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Y21T में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और 9 Pro Plus 5G की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Y21T में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और 9 Pro Plus 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Y21T में Adreno 610 जबकि 9 Pro Plus 5G में Mali G68 MC4 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Y21T में Qualcomm Snapdragon 680 और 9 Pro Plus 5G में MediaTek Dimensity 920MT6877T मिलता है। बात करें RAM की तो Y21T में 4GB की RAM मिलती है जबकि 9 Pro Plus 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 6GB, 8GB, 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो Y21T में 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि 9 Pro Plus 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 128GB, 128GB, 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Y21T में अप टू 1TB जबकि 9 Pro Plus 5G में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Y21T में Android V11 जबकि 9 Pro Plus 5G में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी Y21T में 5000 mAh जबकि 9 Pro Plus 5G में 4500 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Y21T में 2 कलर्स जबकि 9 Pro Plus 5G में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Y21T में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जो कि 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 16,490 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें 9 Pro Plus 5G की तो उसमें तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 24,999 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 26,999 रुपीस, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 28,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Vivo Y21T में 8 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Realme 9 Pro Plus 5G की तो उसमें 7 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें इन्फिनिक्स हॉट 10 है, दूसरा माइक्रोमैक्स इन 1 है, तीसरा माइक्रोमैक्स इन 1B है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी F62 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।